वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं 2 नवंबर के करंट अफेयर, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन संबंधित है सोलह जलानिधि योजना। अभी हाल ही में 16 जलानिधि योजना शुरू की गई और कहाँ पर की गई, यह उड़ीसा राज्य में शुरू की गई। ठीक है, अब 16 जलानिधि योजना है किससे संबंधित है, तो संबंधित है किसानों के जो ट्यूबवेल हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग हो, इस वजह से इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके, किसान जो करें सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और वहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या राजधानी है? भुवनेश्वर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है NIIF एंड IDFC। अभी हाल ही में NIIF ने IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को अधिग्रहण किया है। किसने किया है? NIIF ने IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को अधिग्रहण किया है। अब यहाँ पे NIIF की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसने IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अधिग्रहण किया है। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से PPT ज़्यादा अच्छी बनी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन संबंधित है HDFC बैंक के नए CEO। अभी हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। एक्चुअली उनको पुनः ही नियुक्त किया गया, पुनः उनको मंजूरी दे दी गई है। तो कौन HDFC बैंक के नए CEO बने हैं? तो बने हैं आदित्य पुरी, HDFC बैंक के CEO बने हैं, पुनः दोबारा बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? आदित्य पुरी, HDFC बैंक के CEO। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है पंकज आडवाणी। अब पंकज आडवाणी ने सभी जानते हैं, तो इन्होंने हाल ही में एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता है। ठीक है, कौन सा? एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन बन गए? पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता है, जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बात करते हैं एशियाई स्नूकर टूर खिताब कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था जिनान में। जिनान कहाँ पर है? चीन में ही आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रैंकिंग पूछी जाती है हर एग्जाम में, भारत की कौन सी रैंकिंग है किस में। तो भी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने जो रैंकिंग जारी करी है, तो उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 77 इंडिया की रैंकिंग है। पिछले 2017 में 100वीं रैंकिंग थी, 100 नंबर की रैंकिंग थी, अभी 77 हो गई है, डायरेक्ट 23 नंबर का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो 77वीं रैंक भारत की। बात करते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे कौन रहा है, तो फर्स्ट पे रहा है न्यूजीलैंड, सेकंड पे रहा है सिंगापुर और थर्ड पे रहा है डेनमार्क। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताते हैं IFFI 2018। अब हाल ही में IFFI 2018 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? गोवा में आयोजन हुआ है, गोवा में। ठीक है, अब गोवा में हुआ है यहाँ पर इसका आयोजन, तो ये कौन से नंबर का था? ये था 49वें नंबर का IFFI का आयोजन हुआ था, 49वें नंबर का, 49th नंबर का। अब बात करते हैं IIF की फुल फॉर्म क्या है, IIFI की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। ठीक है, अब गोवा लिब्रेशन डे कब मनाया जाता है गोवा से संबंधित है? तो गोवा लिब्रेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। ठीक है, गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। और गोवा के CM कौन है? गोवा के CM है मनोहर पारिकर। यहाँ के इस गवर्नर कौन है? तो मृदुला सिन्हा यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है ITBP। ITBP के महानिर्देशक अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो किन को नियुक्त किया है ITBP के महानिर्देशक के रूप में? SS देसवाल को ITBP के निर्देशक महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। और ITBP की फुल फॉर्म क्या है? तो ITBP की फुल फॉर्म है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी फुल फॉर्म है क्या है? इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है हॉकी विश्व कप 2018 का आधिकारिक भागीदार। अब आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो बना है टाटा स्टील। हॉकी विश्व कप 2018 का आधिकारिक भागीदार टाटा स्टील बना है। अब बात करते हैं हॉकी विश्व कप 2018 तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर राज्य में कलिंगा स्टेडियम में, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और कब से स्टार्ट होगा ये? तो 28 नवंबर से हॉकी विश्व कप 2018 शुरू होगा, जो कि पुरुषों का होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। अब किसी एक हवाई अड्डा है उड़ीसा का जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई
साई हवाई अड्डा रख दिया गया। तो कौन सा है वो हवाई अड्डा जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रखा गया है? तो उसका नाम है झारसुगड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रख दिया गया है। बात करते हैं वीर सुरेंद्र साई कौन है ये? तो ये है एक स्वतंत्रता सेनानी थे उड़ीसा से, तो उनके नाम पर यह हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं स्वच्छ वायु सप्ताह। अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सप्ताह की शुरुआत हुई है, तो कब की गई है ये? तो 1 नवंबर से शुरुआत की गई थी, तो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ये चलेगा। और कहाँ पर चलेगा ये? ये NCR में चलेगा, वहाँ पर अभी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने 2 नवंबर के करंट अफेयर साथ में उसकी जी के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो वीडियो है उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चैनल से जुड़ सकें। सॉरी आज तबीयत ख़राब थी, इस वजह से PPT ज़्यादा अच्छे से बना नहीं पाया, थोड़ा बुखार उखार आ रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।